आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जिले के सबसे कम उम्र के युवा नेता और गाडरवारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गौतम पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह जी चौहान कह के गए हैं कि गौतम जी आप जाइए क्षेत्र में और जनता आपको आशीर्वाद देगी, कैसे लेते हैं इसको आप? लगातार जो पार्टी 15 साल से सेवा कर रही है उसका ही आशीर्वाद निकल रहे हैं और क्षेत्र के लोगों का, जनता का, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपके चेहरे में वैसा मुस्कान बनी रहती है जब भी हम आपसे मिले हैं या कहीं भी सभा होती है या किसी से भी मिलते हैं, तो ये मुस्कान का राज क्या है? इतना चुनावी लोड है, सुबह 6 बजे जग जाते हैं, रात के 2 बजे सोते हैं, लेकिन मुस्कान चेहरे पर बनी रहती है, इसका राज क्या है? इसका राज है, मैं तो चुनाव में मात्र प्रत्याशी हूँ, पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, उनका ही मुझे मज़ा आता है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं तो 1% मेहनत करता हूँ, वो लगातार हर गांव में हजारों कार्यकर्ता, 500-500 कार्यकर्ता लगे हैं मेरे काम में, मेरा चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ रहा है। आज कमलनाथ जी भी करेली में और गाडरवारा में सभा कर गए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मतदाता आया था। 10 दिन में कर्जा माफ़ का साफ तौर से कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, 51,000 रुपये लड़कियों की शादी के लिए दे रहे हैं और सारे घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की थी, इसको आप कैसे लेते हैं? चूँकि आप किसानों से लगातार जुड़े रहे, इस विषय को आप कैसे लेते हैं? 45 साल उन्होंने शासन किया, उसके बाद 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर इन योजनाओं को उनको लागू करना थी तो 45 साल में पहले करना थी, तो उनकी सरकार नहीं गिरती। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए कार्य किया, जो गरीबों के लिए किया, कन्यादान योजना चलाई, उसकी होड़ करके वो चाहते हैं कि सरकार हत्या लें, मगर आम मतदाता, आम आदमी उनके घोषणाओं में आने वाला नहीं है। आम मतदाता गौतम पटेल को क्यों चुने? क्या खासियत है? क्यों जनता आपको मतदान करे? क्यों आपके पीछे जनता जाए? क्या ऐसी बातें हैं कि उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पीछे जनता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उससे प्रेरित होकर जनता भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। और चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। किसानों के साथ आपने आंदोलन किया है, लेकिन कभी आप पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि गन्ना खरीदी में कहीं कोई आरोप लगाए, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो कांग्रेस प्रत्याशी बता सकते हैं, उनने भी मंच से बोला था अगर मेरे भाई की शुगर मिल भी होगी तो मैं उनका पैसा दिलवाऊंगा, मगर 20 रुपये उनने भी काटे हैं और आज तक उनने उसमें स्टेटमेंट नहीं दिया है और आज तक कोई सफाई नहीं दी है। उनका शपथ पत्र भी छपा है, उसमें भी उनने उसका किसानों का कहीं उल्लेख नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सरताज सिंह जी गए जिले से, संजय शर्मा गए, मोना कोरम ने ज्वाइन की, जहां देखो वहां भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, तो इस सबसे प्रभाव पड़ेगा जनता में? ये तो रूटीन पर किया है, कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से चली आई है। गौतम पटेल लगातार जनता के पास जा रहे हैं, क्या आपको जनता से प्यार मिल रहा है? कैसा स्नेह मिल रहा है? क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे? बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जहां भी जाता हूं लोगों का बहुत स्नेह, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मात्रा में मिल रहा है। आपके सामने कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय जब लड़े थे पहली बार तो 25,000 वोटें मिली थी, पिछली बार उनको 36,000 वोटें मिली और क्षेत्र में उनका एक अलग ही प्रभाव है, उनको कैसे लेते हैं आप? उनका कोई प्रभाव नहीं है, दोनों बार उनने झूठ बोल के जनता से वोटें ली, एक बार उनने साड़ी बांटी, दूसरी बार उनने पेंशन का लोभ दिया कि हम 500 रुपये पेंशन, हम विधायक बने ना बने 500 रुपये देंगे, इस प्रलोभन में कुछ लोगों ने वोट उनको दी। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब सिर्फ कांग्रेस है जो कि धरातल में रसातल में जा रही है, उस पार्टी का दामन थांग के वो लड़ रहे हैं चुनाव, उसको जनता ही सबक सिखाएगी उनको। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको हराएंगे, कुछ लोग वहाँ भोपाल भी गए थे कि आपको टिकट ना मिले, तो इस सब चीज़ों को आप कैसे लेते हैं अभी वर्तमान चुनाव में? टिकट एक पार्टी की प्रक्रिया है, सारे लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इस दल में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं रहती, सारे लोग जिसको भी टिकट मिलती है उसका काम करते हैं, हराने जिताने का काम तो कांग्रेस ही करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से गाडरवारा की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं जो आपके साथ लगातार आपके संपर्क में हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ता महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग कार्य कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनके लिए कार्य करना है आगे चलकर ऐसे। तो इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है कितने मतों से आपकी विजय होगी? 50,000 मतों के ऊपर जीत होगी। तो ये थे गाडरवारा विधानसभा से सबसे कम उम्र के प्रत्याशी जो कह रहे हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में झूठ और फरेब ने एक दूसरा साम्राज्य बनाया था, लेकिन इस बार वो युवा हैं और कम से कम 50,000
वोटों से उनकी जीत उन्हें दिखाई दे रही है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री जी आए थे, साफ तौर से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के जो काम है उसको कॉपी कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस बार गाडरवारा की जनता उनका साथ देगी। फिलहाल कैमरामैन पर्सन सोनू के साथ मैं अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।